नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 24 न्यूज मोबाइल में। मैं अजय आहूजा आज आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं रायसेन जिले की औद्योगिक नगरी मंडीदीप की, जहां पर मंडीदीप की शहर की सड़कों के हाल कुछ और पहले भी हम आपको लगातार बताते आए हैं। आज कुछ और तस्वीरें आपके लिए लेके आए हैं हम कई जगहों की, जहां पर सड़कों के हाल हुए बेहाल। सड़कें कम, खड्डे ज्यादा। यहाँ की स्थिति क्या है, बद से बदतर क्यों है, क्या इन्होंने यहाँ पे आज तक किसी प्रकार की कोई शिकायत की है या नहीं की है? आपका नाम? विजय कुमार पाल। विजय कुमार जी, ये बताइए, ये जो रोड की स्थिति है, विगत दो सालों से हम खुद देख रहे हैं, ये कितने सालों से ये स्थिति यहाँ पर है? देखो, ये स्थिति तो इससे पहले भी स्थिति यही थी। क्या हुआ, बाद में HEG ने इस रोड को बनवाया। पहले ये PWD के हैंडओवर था, उसके बाद नगर पालिका का हैंडओवर आया, लेकिन नगर पालिका हैंडओवर आने के बाद हम लोगों को ऐसा लगा था कि इस रोड का विकास होगा, रोड बनेगा। लेकिन ना शिवराज जी ने भूमि पूजन की, माननीय पटवानी भूमि पूजन की, उसके बाद पहले नगर पालिका भाजपा की थी, फिर कांग्रेस की बनी, लेकिन काम अभी तक रोड पे नहीं हुआ। रोड जस के तस वैसा का वैसे ही बना हुआ है। क्या कारण है आखिर ऐसा? यहाँ पे जो कई नगर पालिका अध्यक्ष आए, यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज नेता भी आए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इस रोड को नदारद किया जा रहा है, जो कि ये मंडीदीप की एक धड़कन है, इसको एक धड़कन कहा जाता है, समस्त नगर समस्त गाँव से इस रोड को जोड़ा जाता है। हाँ, क्या है, ये जब रोड नगर पालिका के हैंड ओवर है तो ये तो नगर पालिका CEO बताए या नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं वो बताए कि ये रोड क्यों नहीं बन रहा है, आखिर क्या कारण है। इसका कारण उनको बताना चाहिए पब्लिक को। इससे क्या क्या परेशानी आ रही है इस रोड से? लगातार है ना गाड़ियों की इतनी हो रही है, डस्ट इतनी होती है, धूल इतनी होती है, हम दुकानदारों को हमको पॉलिथीन लगाना पड़ रही है। हमारे मित्र माननीय गेंद्रलाली की तो ये स्थिति, आप दिखाओ कैमरा घुमाओ इधर, इनके 2.5 से 3 लाख रुपए लग चुके हैं धूल की एलर्जी की वजह से। राजा कपड़ा बांध के दुकान में बैठ रहा है। आइए इनसे भी कुछ चर्चा करते हैं यहाँ पे विस्तृत रूप से। आपका नाम? गीतालाल रजक। ये बताइए क्या है आप, क्या परेशानी? इतनी डस्ट है, इस रोड के ऊपर चलना मुश्किल हो रहा है, और इतनी मतलब ये अपना जाम लग जाता है, और ट्रकों की धूल मिट्टी से मतलब इतने परेशान है कि जरूरत से ज्यादा उसकी एलर्जी की वजह से हम बीमार हो गए। 3 महीने हो गए, मैं ठीक नहीं हो पा रहा है। मतलब इसकी शिकायत कभी आपने किसी उच्च अधिकारी अध्यक्ष मोदी को 10 बार कहा होगा? अध्यक्ष मोदी की कहते हैं वो आजकल कराएंगे, आज से कल लगेगा काम, कल से लगेगा, वही सब बोल देते हैं अध्यक्ष मोदी। बस तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं, कोई काय की सुनवाई, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ तक स्टेशन रोड का मामला है, आज से 3 साल पहले हम लोगों ने, उस समय जब भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका थी, हमारे नेता आदरणीय स्वयं पडवा जी के नेतृत्व में हमने इसका भूमि पूजन किया था, और उसके बाद 4 महीने के बाद चुनाव हुए, और चुनाव होने के बाद मंडीदीप में नगर पालिका कांग्रेस की बनी। नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा भी इन 2.5 साल में 2 बार भूमि पूजन हो चुका है, लेकिन काम अभी तक लगा नहीं। मंडीदीप की जनता, मैं समझता हूँ 50% जनता उसी रोड से गुजरती है, लेकिन नगर पालिका को इसकी सुध नहीं है। आज स्टेशन रोड की इतनी बदतर स्थिति है कि कोई व्यक्ति अगर नई गाड़ी उठाता है तो जब वो स्टेशन रोड से अपनी गाड़ी निकालता है तो उसकी गाड़ी आवाज़ करने लगती है, लगातार वहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं। लेकिन नगर पालिका पूरी परिषद का और नगर पालिका अध्यक्ष की ये स्थिति है कि वो नगर की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मंगलवार बाजार में किस तरीके से वहाँ पर जो गरीब और छोटे दुकानदार हैं उनको इधर से उधर, उधर से इधर रोज डेली भटकना पड़ रहा है, और वो भूखे मरने की स्थिति में आ चुके हैं। आज भी उनका, हम लोगों ने आदरणीय पटवारी के साथ वहाँ पर मंगल बाजार में गए थे, और हम बोल के आए थे कि इनका अगर आपको व्यवस्थापन करना है तो एक कोई इनको स्थायी जगह दे दी जाए, जिससे रोज इनकी जो बेइज्जती होती है और इनके साथ जो अपमान की स्थिति बनती है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और जब से विधानसभा के चुनाव आए, नगर पालिका अध्यक्ष लगभग बौखला गए, क्योंकि उनकी 2.5 साल की जो कार्यप्रणाली थी उसी का दुष्परिणाम था कि लगभग 12,500 मतों की यहाँ पर हार नगर पालिका में कांग्रेस को हुई है। और इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं उनका तो योगदान है ही, साथ में हमारे स्वयं पडवा जी का जिस तरीके से कार्य था उसका भी अपना आप में एक महत्व है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जो नगर पालिका थी और उसके अध्यक्ष श्री बद्री सिंह जी चौहान जी के द्वारा जो 2.5 साल में जिस तरीके से विकास
कार्य ठप हुए उसका भी ये कारण है कि इतनी बड़ी मतों से यहाँ पर उनकी हार हुई है। नैतिक रूप से आज वो उनको अपने आप पे सोचना चाहिए कि आखिर जनता ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। मंडली पे जितनी भी मूलभूत सुविधाएं, नगर पालिका का ध्यान नहीं है। आइए स्थिति यह कि नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा किसी के साथ कुछ भी, अगर नगर पालिका में जाता है तो उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और हम इस चैनल के माध्यम से नगर पालिका, कांग्रेस के नगर पालिका को ये चेतावनी देते हैं कि अगर उन्होंने अपना ये धरना नहीं सुधारा तो शीघ्र ही हम बहुत बड़ा नगर पालिका के खिलाफ आंदोलन करने के लिए हमको व्यवहार होना पड़ेगा। ठीक सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। दो साल से ये हाल हो रहा है कि हर महीना बंदे इनमें आते हैं, जेसीबी लेके आते हैं, रोड की खुदाई करते हैं। क्या हो रहा, अभी इंस्पेक्शन हो रहा था, कितनी नीचाई था, कितनी डेप्थ तक जो है क्रेक डेवलप हो रहा है ना। उसके बाद में बोले साहब इसको उठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, करना कुछ नहीं है। बस फिर महीने पंद्रह की बात चली जाती और दो साल से ये सुनवाई में आ रहा, बस अब पंद्रह की बात रोड का काम शुरू हो रहा है, लेकिन रोड के काम का कोई पता नहीं है। कभी कह देंगे साहब वो कॉन्ट्रेक्टर ने काम छोड़ दिया, कभी इसका हो गया था, कॉन्ट्रेक्ट दे दिया है, जल्दी काम शुरू होना ना, होना कुछ नहीं। आए दिन जाम लग रहा है रोड में, धक्के पड़े, टॉपअप खराब हो रहा है, जाम लग रहा है, इधर देख रहे हो आप गंदगी, सामने देखो आप कितनी गंदगी हो रही है। अच्छा, एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे, अभी हम आपके पीछे एक कवरेज जोड़ करने वाले, वहाँ एक जोड़ पे एक कम से कम 1.5 से 2 फीट का खड्डा हो गया है, हालत इतनी बेचैनी हो गई है कि लोग वहाँ गिर रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? खड्डा जो है फिलिंग करवाते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी फिलिंग होती है, जो प्रॉपर फिलिंग होना चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्ट से उसकी राय लेके करना चाहिए ताकि दोबारा वो, टेक्निकल एक्सपर्ट अपनी जगह है, कम से कम उसको पेशवर को करके जान तो बचाई जा सकती है। सही बात है, क्या वो भी यहाँ के यहाँ की नगर पालिका बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही है? बिल्कुल नहीं दे रही ना, उनको खुद दिख रहा है, दिन में 4 बार वो खुद निकलते हैं यहाँ से। इसमें आप किसको सीधे तौर से यहाँ पे मानते हैं कि जो इसके जिम्मेदार अधिकारी है, या किसके ऊपर ब्लेम करते हैं आप? ये तो आप रोड जिसके अंडर में है वही जिम्मेदार है, इसके अपना नगर प्रशासन है, नगर पालिका प्रशासन है, या पीडब्ल्यूडी के अंडर में रहेंगे शायद, अब ये तो नगर पालिका परिषद ही है इसकी जिम्मेदार। तो सीधे तौर पर यहाँ हालत बहुत खराब चल रही है, बहुत खराब है साहब, दिन में 4 बार जाम लगता है यहाँ पे। बात ये साहब, ये 2-3 साल से लग रही है कि आज बन रही है, कल बन रही है, आते हैं बस यहाँ से बहुत 10 बार निकल रहा है यहाँ पे, उन लोग समझना चाहिए। नगर पालिका कह रही है वो कह रहा है पीडब्ल्यूडी बनाएगी, वो कह रहा है वो बनाएगी, तो ये समझ में नहीं आता कि बनाएगा कौन। आपका नाम सर? सुधीर कुमार शर्मा। शर्मा जी, क्या है स्थिति है यहाँ पे अभी, जो यहाँ के रोड की स्थिति है अगर हम बात करें तो, आपने अभी तक आगे कितने लोगों को यहाँ पे ज्ञापन दिया है, यहाँ कोई सूचना दी, अब क्या है इस्थति? हमने सभी लोगों को सूचित कर चुके हैं, बार बार नगर पालिका अधिकारी को भी सूचित कर रहे हैं, अगर आगे की स्थिति बनूंगी, अगर ये काम नहीं होता है तो हम इससे बंद हो जाती है, चक्का जाम होंगे, पूरी मुख्य जवाबदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी, शासन की होगी, सभी की होगी, क्योंकि रोड बहुत खराब हो चुका है, यहाँ में रहना दुर्लभ हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। चक्का जाम की स्थिति क्यों आ रही है कि यहाँ की जनता को, यहाँ को अपना खुद का हक मांगने के लिए यहाँ चक्का जाम करना पड़े? साहब, चक्का जाम की स्थिति आ रही है कि आए दिन यहाँ पर अधिकारी सभी रोड निकल के जाते हैं, तो देख लीजिए कि रोड कितना गंदे हो रहे हैं, कितने रोड हो, रोड कितना रोड खराब है, डेली रोड स्थिति आप देख लो, बिल्कुल कितने रोड बिगड़े जा रहे हैं, 4-4 बार भूमि पूजन हो चुका है, रोड का काम ही नहीं हो रहा है, तो इसका खामी है क्या? कुल मिला के जनता को व्यवस्था पड़ा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है रफू चच्चा। रफू चच्चा, ये बताइए रोड की स्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे? इस रोड के लिए तो बहुत ज़्यादा ये परेशान है लोग, गाड़ियाँ भी टूटना फूटना, चलने वालों को परेशानी, कीचड़ पानी सभी परेशानी है, रोड की बनने की कोई वही नहीं है कुछ अभी तक। इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? जिम्मेदार हमारी सरकार है, नगर पालिका। नगर पालिका कुल मिला के नगरीय प्रशासन इसका जिम्मेदार है।